लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इफ यू हैव बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यूड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक ऐसा टर्म है जिसको सुनकर अच्छा भी लगता है और बुरा भी, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी बोथ वेरी वंडरफुल एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट। आई एम श्योर हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट देर इज नथिंग डिफरेंट एज सच इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिलेशनशिप जैसा ही होता है विद एन एडेड चैलेंज ऑफ डिस्टेंस। तो कोई ऐसा रेड फ्लैग जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में अप्लाई होगा अप्लाइज हियर एज वेल। लेट्स सी व्हाट दोज रेड फ्लैग्स आर। पहला है, योर रिलेशनशिप फील्स डिफरेंट। भले ही आप 2 महीने से डेट कर रहे हो या 2 साल से, आपको अपने पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स पता लग जाते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ दे टिपिकली ट्रीट यू एंड एक्ट टुवर्ड्स यू, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। तो अगर आपको फीलिंग सेम नहीं लग रही है या ऐसा लग रहा है कि आपको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और योर पार्टनर इज पुलिंग अवे फ्रॉम यू, नॉट शेयरिंग मच विद यू, या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, देन दिस कुड बी वन ऑफ द रेड फ्लैग एंड आपको बिहेवियरल पैटर्न्स नोटिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर है, दे आर नेवर अवेलेबल। Time is a major constraint in every long distance relationship. It is very difficult to find a time where both of you are free to give time to each other. This situation is understandable if it happens from time to time, but it shouldn't be a constant issue. सबकी बात करने की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर टॉकिंग टाइम विद योर पार्टनर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टॉकिंग टाइम एकदम से डिक्रीज हुआ है या फिर रुक ही गया है, देन देयर इज अ स्लाइट चांस कि कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हर बार हो रहा है, देन यू हैव टू डिग इन डीपर टू अंडरस्टैंड कि आपका पार्टनर सच में बिजी है या फिर कोई और रीजन है। नेक्स्ट इज लोड्स ऑफ टेक्सटिंग एंड कॉल्स। Now this doesn't mean loads of good texting, but अगर आपका partner आपको 24/7 text कर रहा है and saying things like इसके साथ क्यों जा रही हो या जिसके साथ भी जा रही हो उसकी photos भेजना etc etc, तो ये थोड़े concern की बात हो सकती है, क्योंकि इससे आप बिना वजह एक guilt trip पे जा सकते हो, because of which आपके normal plans भी spoil हो सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं, और बहुत बार ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स बन जाते हैं तो आप कभी कभी नहीं बता पाते हो। तो कंसर्न दिखाना बहुत अच्छी बात है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, बट अगर यही चीज डिमांडिंग हो जाए और आपको हर बार ऑकवर्ड होकर बताना या दिखाना पड़े कि आप कहाँ जा रहे हो या किसके साथ हो, देन इट कैन बी अ रेड फ्लैग, बिकॉज everyone deserves फ्रीडम इन their रिलेशनशिप without फियर ऑफ angering their पार्टनर। फिर है, यू डोंट नो एनी ऑफ their फ्रेंड्स। अगर आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आई एम श्योर आपको अपने पार्टनर के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के बारे में तो पता ही होता है कि वो किसके साथ हैंग आउट करते हैं, उनका वर्क या स्टडी सर्कल क्या है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको अपने पार्टनर के एक भी फ्रेंड के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि उसका कोई फ्रेंड नहीं होगा। इट सिंपली इम्प्लाइज दैट दे आर लाइंग। With all the technology out there now, it's not possible कि आप किसी को भी नहीं जानते हो। So figure out कि ये आपको पता क्यों नहीं है, क्या कोई genuine reason है या फिर is there something you should be concerned about? Next is they started leaving you out of their plans. When I say plans, तो इसका मतलब random plans नहीं, but future plans. अगर आपका partner आपको अपने future plans से exclude करने लगा है या फिर श्योर नहीं है आपके बारे में, देन इट कैन बी अ मेजर रेड फ्लैग, बिकॉज अगर वो अपनी लाइफ में आपको लेकर एक्साइटेड होगा, देन यू शुड बी देयर इन देयर हेड व्हेन दे इनविजन देयर फ्यूचर टू। From heading out of town to going to a festival, once they've started to leave you out of their plans, there could be a deeper issue in your relationship. फिर है, they are not excited to hear your good news anymore. Relationship में एक की good news दोनों की good news होती है. So if it's gotten to a point that your partner is no longer celebrating your accomplishments, you're looking at a potential sign that your relationship isn't as healthy as you think. कोई इंसान जो सच में आपके लिए खुश होता है, वो आपको कभी hold back नहीं करेगा अपने goals achieve करने के लिए. Now maintaining a long distance relationship can be tough, which is why it's important to know all the red flags that can possibly happen so that aap un pe work kar sako and have a balanced long distance relationship. Also let us know if you have some points to tell us. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.